आज मैं आपको एक ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपने देखा होगा कि फेसबुक जब आप खोलते हैं तो रील्स पर आपको बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइज देखने को मिलते हैं कि आईफोन 14 प्रो 15,000 20,000 25,000 30,000 में देने का दावा किया जाता है, वो भी ओरिजिनल बढ़िया सा। उसके बाद आप देखेंगे सैमसंग 21 अल्ट्रा, उसके अलावा सैमसंग 22 अल्ट्रा। तो ये सब जो मोबाइल है, जितने भी मोबाइल की जो बात कर रहा हूँ मैं, ये सारे मोबाइल लाख रुपए प्लस का आता है। चाहे आईफोन का भी कोई भी सीरीज आप ले ले, चाहे 13 हो, 14 हो, 14 प्रो हो, ये सब लाख प्लस का ही आपको आएगा। इसके अलावा सैमसंग का S21 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, ये सारे लाख प्लस का ही फ़ोन आता है। लेकिन आप अक्सर देखते होंगे फेसबुक के माध्यम से, पेज के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, यूट्यूब खोलेंगे तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इसके अलावा यूट्यूब रील्स में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे शॉर्ट्स में, कि आपको वो सब फ़ोन 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 में ओरिजिनल दिया जाता है। पूरा दावा किया जाता है, गारंटी के साथ दिया जाता है कि आपको ऑनलाइन घर पे भेज दिया जाएगा। पैसा भी आपको पहले नहीं देना है, पैसा भी वो नहीं मांगते हैं, वो बोलते हैं कि 1,000 हो, 2,000 हो, 500 हो आपके पास, एडवांस आप बुकिंग कर दें और बाकी आपको फ़ोन भेजेंगे, आप फ़ोन रिसीव करेंगे तो आप पैसा देना। और ये सत्य भी है, वो लोग फ़ोन भेजते भी है, ये नहीं कि नहीं भेजते, फ़ोन भेजते भी है, आपके पास फ़ोन पहुंचता भी है, ओरिजिनल फ़ोन भी रहता है। अब 1 लाख का फ़ोन, 1.5 लाख का फ़ोन, 2 लाख का फ़ोन आपको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये तक क्यों दिया जाता है? आइए मैं एग्जाम्पल अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। मैंने सैमसंग का S21 अल्ट्रा फ़ोन मंगाया जो 1 लाख से ऊपर का भी है। अभी देखेंगे ऑनलाइन भी तो 1 लाख रुपये से ऊपर इसका रेट है, और ऑफलाइन भी किसी भी शॉप से आप लेने जाएंगे, किसी भी शोरूम से लेने जाएंगे सैमसंग का, तो वह 1 लाख से ऊपर का आता है। लेकिन यह फ़ोन मैंने कितना का मंगाया आपको बता दूँ, मात्र और मात्र 12,000 रुपये में। आप सुन के दंग रह जाएंगे, मात्र और मात्र 12,000 रुपये में, जिसमें 5 कैमरा है, 100 MP कैमरा है। आपने सुना होगा कि जो S21, S22 अल्ट्रा जो होता है, S23 अल्ट्रा होता है, उसमें 100 MP से ऊपर का कैमरा होता है, जिसको जूम करके आप चांद तक को देख सकते हैं। आइए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये फ़ोन मैंने मंगाया है ऑनलाइन, जो मैंने रील्स पे देखा था, मैंने बुकिंग किया था वहाँ से, और मुंबई की एक कंपनी है जो दावा किया था कि मैं आपको भेजूँगा इतने रेट में, मैंने उनसे बात किया और ये फ़ोन मंगाया। तो ये फ़ोन है, आप देखिए ये फ़ोन है, ये डब्बा है, अनबॉक्सिंग आपके सामने कर रहा हूँ। ये रहा डब्बा और ये मैं निकाला फ़ोन। अब फ़ोन देखिए, ये देखिए मैंने जो कहा और उन्होंने जो दावा किया वो अपने दावा पे पूरे उतर गए, और ये मात्र 12,000 में मुझे मिला है जो लाख प्लस का फ़ोन है। ये सैमसंग का S21 अल्ट्रा है, आप देख सकते हैं S21 अल्ट्रा। अब बता दूँ आपको कि इसको मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, पहले मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ कि इसके साथ मिला क्या क्या। तो इसके साथ जैसे आपको सारे मोबाइल में मिलता है, ये ओरिजिनल ही है, पूरा डब्बा ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ ठीक ठाक है। ये जो चार्जर है, तो चार्जर का आपका डाटा केबल ये मिलेगा, सैमसंग का ये डाटा केबल है जिसे चार्ज कर सकते हैं आप। तो आप जानते ही हैं, आईफोन हो या फिर कोई भी फ़ोन हो, तब उसमें चार्जर नहीं दिया जाता है, डाटा केबल देते हैं, बाकी आपको खुद से चार्जर लेना पड़ेगा अलग से, उसका कॉस्ट अलग से लगता है। अब जो महंगा मोबाइल होता है, बड़े बड़े मोबाइल जो होते हैं, उसमें चार्जर नहीं दिया जाता। तो ये आप देख लिए, ये डब्बा आप देख रहे हैं, सारा चीज़ है इसमें। अब बताता हूँ इसको ओपन करके, अब मैं इसको ऑन करता हूँ, आप देखेंगे, देखिए बता रहा हूँ आपको, ये जब ऑन करेंगे तो पूरा ओरिजिनल है, कुछ इसमें अंतर नहीं है। सैमसंग गलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G एंड्रॉयड, सारा चीज़ हम सेम टू सेम, कोई अंतर किसी प्रकार का नहीं है। आपको लगेगा कि कोई अंतर होगा, ऐसा कोई अंतर नहीं। ये खुल रहा है, ऑन हो रहा है, सैमसंग भी दिख रहा होगा आपको, सैमसंग लिखा हुआ पूरा आ रहा है, ऑन हो रहा है, ये पूरा ओरिजिनल, फुल्ली ओरिजिनल मोबाइल है, किसी प्रकार का कोई अंतर इसमें दिखाई नहीं देगा। तो ये ऑन हो गया, बाकी इसके अलावा फंक्शन देखेंगे तो सारा एकदम सेम है बिल्कुल, ये खोलेंगे सब कुछ सेम है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको सब कुछ दिखेगा, सेम सेम दिखेगा, सारा ऐप वगैरह आ रहा है, एप्लीकेशन जो भी है, बाकी डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब बताता हूँ कि इसमें स्कैम क्या है। आप सोचेंगे सब कुछ तो सेम बता रहा है, लेकिन स्कैम क्या है, स्कैम की बात आपने की है, ठगी क्या है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो आपको बता दूँ कि ये कैमरा जो 5 दिख रहा है, ये आपने देखा होगा कैमरा 5, ये कैमरा 5 सिर्फ दिख रहा है, ये कैमरा है नहीं। जो ओरिजिनल आप मोबाइल लेते हैं, जो सैमसंग के शोरूम से लेते हैं,
सैमसंग के स्टोर से लेते हैं, सैमसंग के दुकान से लेते हैं, उस समय ये पांच कैमरा रहता है, पांचों वर्किंग में होता है, जिसमें से एक कैमरा ये जो होता है लास्ट वाला, ये सोनी का होता है और ये 100 MP तक कवरेज करता है, मतलब चांद को भी जूम करके आप फोटो ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि 1, 2, 3, 4 चार कैमरा इसमें डमी दिया गया है, मतलब ये कुछ है ही नहीं, ये डमी है, सिर्फ बनाया गया है। और पांचवा कैमरा जो वर्किंग में है, ये मात्र 2 MP कैमरा है। कितना? 2 MP कैमरा, जो ठीक से आप खुद का सेल्फी भी नहीं ले सकते। तो ये है। दूसरा क्या है कि मेटल, मेटल जो है ये जो ओरिजिनल आप लेंगे तो ये आता है बिल्कुल शीशे का मेटल आता है, जो बहुत बढ़िया मेटल रहता है, शीशे जैसा लगता है, इस पर किसी प्रकार का कोई स्क्रैच नहीं आएगा। जो S21 Ultra आप लेंगे, S22 Ultra लेंगे, S23 Ultra लेंगे, उसमें होता है, तो उसमें ये शीशे का होता है, जो इसमें बिल्कुल फाइबर प्लास्टिक का दिया गया है। इसके अलावा स्क्रीन जो शीशे का होता है, ये बिल्कुल फाइबर प्लास्टिक का दिया गया है, मतलब बिल्कुल पूरे तरीके से ये फर्जी तौर पर बनाया गया है। ये देखिए बिल्कुल आवाज़ कर रहा है, ये कभी सैमसंग का मोबाइल ऐसा आवाज़ नहीं करता है। ये इसके अलावा फंक्शन की बात करूँ तो ये फंक्शन 2009 का सॉफ्टवेयर, इसमें 2009 का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, जिसमें आप जियो का सिम नहीं लगा सकते, मतलब जियो का सिम काम करेगा ही नहीं, क्योंकि जियो तो बहुत बाद में आया है, 2009 में जियो था नहीं, तो जियो का सिम इसमें काम नहीं करेगा। दूसरा क्या है, एयरटेल और आइडिया का सिम काम करेगा, वो भी 2G काम करेगा। आप वीडियो कॉल इससे नहीं कर सकते हैं, इससे व्हाट्सअप कॉल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 5G स्पीड नहीं चलेगा, 4G स्पीड नहीं चलेगा, 3G भी ठीक से नहीं चलेगा, 2G चलता है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, मतलब आप सीधा समझ लीजिए कि कवर सिर्फ उपयोग किया गया है सैमसंग का सिर्फ कवर उपयोग किया गया है, वो भी ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है। और इसके अंदर का जो भी पार्ट्स है वो 2009 का सिस्टम डाला गया है, समझिए सीधा सा, एक सादा मोबाइल जो यूज करते थे आप, एक साधारण मोबाइल यूज करते थे जो बटन वाला होता था, उसका सॉफ्टवेयर इसमें डाला गया है और उसी प्रकार से ये वर्क करता है, बिल्कुल स्लो। न कैमरा इसका किसी काम का है, न कोई फंक्शन किसी काम का, न कोई ऐप किसी काम का है, ये 2G चलेगा, इसके अलावा जियो का सिम काम नहीं करेगा, मतलब किसी काम का ही नहीं। इतना बेहतरीन तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है, वो लोग वादा करते हैं कि मैं आपको सैमसंग S21 Ultra दे रहा हूँ, S22 Ultra दे रहा हूँ, S23 Ultra दे रहा हूँ, वो सही कहते हैं, गलत नहीं कहते, वो देते भी है फ़ोन। इसी प्रकार से आईफोन देने का वादा करता है, iPhone 11, 12, 13, 14, Pro, Max सभी तरह के फ़ोन देने का वादा करता है, लेकिन सबके साथ यही झोल लेता है। सिर्फ और सिर्फ इसका जो कवर होता है, जो इसका कवर जिसको बोलते हैं, ये होता है, जिसको सैमसंग का फ़ोन बोलते हैं, तो ये सिर्फ दिखने में रहेगा, अंदर से किसी प्रकार का कोई भी सैमसंग वाली बात है ही नहीं, ये सैमसंग तो है ही नहीं। पहले तो सबसे पहले मैं सैमसंग कंपनी से कहना चाहूँगा, उनको टैग भी करूँगा कि ये जो आपके नाम पर इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, ऑनलाइन स्कैम हो रहा है, लोगों के साथ हो रहा है, तो लोग तो सैमसंग का मोबाइल समझ के खरीद रहे हैं, आईफोन का मोबाइल समझ के खरीद रहे हैं, उसके साथ जो स्कैम होता है इतना बड़ा, तो इस बदनामी किसकी हो रही है? सैमसंग कंपनी की बदनामी हो रही है, आईफोन की बदनामी हो रही है, एप्पल कंपनी की बदनामी हो रही है। अगर कोई बंदा एक बार ये फ़ोन ऑनलाइन मंगा ले, खरीद ले इस तरह का कोई भी, और उसको इस तरह का फंक्शन मिल जाता है, उपयोग में नहीं आता है, वो जीवन में कभी सैमसंग का कोई फ़ोन नहीं लेगा, जिंदगी में कभी कोई आईफोन नहीं लेगा। तो ये एप्पल की बदनामी हो रही है, सैमसंग की बदनामी हो रही है, तो ऐसे लोगों पर आप जितना भी जल्दी हो सके कार्रवाई करें, क्योंकि इसको खोजना भी आपको नहीं है, ये नहीं कि कंपनी को इसको खोजना पड़ेगा, ये आप जाकर फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, यूट्यूब रील्स पे, फेसबुक रील्स पे, बहुत सारे हजारों नहीं लाखों के संख्या में ऐसे वीडियोज हैं जो इस तरह का स्कैम करते हैं, ठगी करते हैं और इस तरह के फ़ोन बनाकर बेचते हैं, डमी फ़ोन बनाकर बेचते हैं, लोगों के पास पहुंचता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, यहाँ तक कि कुरियर वाले लेकर आते हैं, आप सामने में अनबॉक्सिंग कर लेंगे, खोल के देखेंगे, आपको किसी प्रकार से कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। जब वो चले जाएंगे, आप 2-4 दिन 5 दिन यूज करेंगे, तब आपके पास आपको पता चलेगा कि आपके साथ तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया। अब कोई व्यक्ति है, बड़ा मुश्किल से, कोई स्टूडेंट है, बेरोजगार आदमी है, कोई मेहनत से कमाता है, कोई मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, और वो व्यक्ति एक एक पैसा जोड़ के 2 महीना 4 महीना 5 महीना में 15,000 20,000 25,000 का बचत करेगा, और वो सोचेगा कि 1,00,000 का मोबाइल मुझे 15,000 10,000 20,000 में मिल रहा है, मैं ऑनलाइन ही ले लेता हूँ। वो बुक कर लेते हैं, मंगा लेते हैं, उसका सारा जमा पूंजी खत्म हो जाता है, उसका सपना टूट जाता है, पैसा भी गया, मोबाइल भी किसी काम का नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए, चमकाने के लिए मोबाइल है, किसी भी काम का ये मोबाइल नहीं है। अब आपके मन में होगा कि आप कैसे ठगे गए, आप कैसे ये चीज़ कर गए, आप तो समझदार हैं, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं बार बार बताता हूँ, इससे पहले भी मैंने एक लैपटॉप के बारे में बताया था,
कि मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए मोबाइल मंगाता हूँ, देखता हूँ कि अगर सही निकल गया तो ठीक है, सही नहीं निकला, गलत नहीं निकला तो होगा क्या कि बाकी लोगों को तो जागरूक कर दूंगा। जो हजारों सब्सक्राइबर है मेरे, लाखों सब्सक्राइबर है, जो लाखों में लोग देखते हैं, वो तो बच जाएंगे इन चीज़ों से, उन्हें तो पता चल जाएगा कि हाँ ये डमी है, ये गलत चीज़ है, ऐसी खरीदारी नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन जो परचेज नहीं करना चाहिए। जो लोग फेकम फाकी करते हैं, बहुत सारे दावा करते हैं, मंगा लेने के बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन किसी प्रकार का नहीं बचता। ये रहा मोबाइल S21 Ultra, इतना बड़ा लाख प्लस का मोबाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। डब्बा ओरिजिनल सेम है, पता नहीं डब्बा छपवाते हैं, बनवाते हैं, या फिर डब्बा पुराना डब्बा खरीदते हैं, ये लोग क्या करते हैं पता नहीं। इस तरह का बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है। ऑनलाइन बिल भी आपको दिया जाता है, और ये चार्जर है इसका, जब ये मोबाइल चार्ज नहीं होता है, ये जो डाटा केबल दिया गया है इसमें लगाने के बाद ये मोबाइल खुद चार्ज नहीं होता, तो बाकी और मोबाइल क्या चार्ज होगा। ये तो बिल्कुल फर्जी है, ये भी फर्जी है, सब दिखाने के लिए है। लेकिन आप जब रिसीव करेंगे, आपके पास कुरियर से आएगा, तो उस समय आप इस चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आपको कहना चाहूँगा कि कभी भी आप ऑनलाइन मोबाइल लेते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, तो कोई भी रजिस्टर्ड जो है, जैसे मैं आपको बता दूँ फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इन सभी साइट से आप खरीद सकते हैं, और यहाँ पे आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। इनका कस्टमर केयर नंबर होता है, इनका ऑफिस होता है, हेड ऑफिस होता है, कहीं तक कंप्लेन कर सकते हैं, इस पर किसी प्रकार का कार्रवाई करवा सकते हैं, इसका कहीं भी शिकायत करा सकते हैं। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं, इसमें ना कहीं कंप्लेन कर सकते हैं, ना कहीं शिकायत कर सकते हैं, ना किसी प्रकार का इसका कोई रिप्लेस कर सकते हैं। ये लोग एड्रेस भी फर्जी देते हैं, सीधा भेज देते हैं, और मोबाइल भी फर्जी देते हैं। अब मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं, ये तो नहीं कि साबुन भेज दिया या फिर किसी चीज़ का कोई भेज दिया कि आपको कोई डाउट होगा। आप अनबॉक्सिंग भी सामने में करेंगे कुरियर वाले को, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उससे बेहतर लग रहा है। मैं तो बता दूँ, सही से बताऊँ तो इसका बॉक्स जो है, ये जो ओरिजिनल मोबाइल होता है, उससे भी बेहतर लग रहा है, तो कोई भी धोखा खा जाएगा। तो ये आपको जागरूक करने के लिए, आपको बताने के लिए, ये मैंने 12,000 रुपया फंसाया है, ताकि आपको जागरूक कर सको, आपको बता सको। इसी प्रकार से जितने भी स्कैम चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैं समय समय पर मैं आपको जागरूक करता रहता हूँ, चाहे लैपटॉप से संबंधित हो, मोबाइल से संबंधित हो, कोई भी गैजेट्स हो, मैं समय समय पर आपको जागरूक करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। आपके साथ भी किसी प्रकार का स्कैम हुआ है, मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, या फिर कोई धोखाधड़ी होने वाला है, आपने कहीं बुकिंग किया है, सब कुछ कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, मैं उसके जवाब में वीडियो बनाऊंगा, आपको जागरूक करूंगा और आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है। अगर स्कैम भी हो गया है तो ये भी बताऊंगा कि आपको कार्रवाई के लिए कहां पे कंप्लेन करना है। तो दोस्तों, आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।